मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेरोजगार कार्यालय में अगर आपका नाम दर्ज है तो ही आपको संविदा की नौकरी मिल पाएगी। मतलब अब आप जो है सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं संविदा की नौकरी के लिए भी बेरोजगार कार्यालय में भैया नाम दर्ज कर लें। देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए ये आज ही की खबर है और क्या खबर है, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है सेवा योजन विभाग, सेवा योजन विभाग के जरिए नियुक्त होंगे आउटसोर्सिंग कर्मी। मतलब सेवा योजन विभाग मतलब होता है बेरोजगार कार्यालय और आउटसोर्सिंग कर्मी का मतलब होता है कि संविदा कर्मी। तो यहाँ पर देखिए पूरी खबर क्या है भाई, प्रदेश के सभी जिलों में अब सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा योजन विभाग के जरिए होगी। मतलब बेरोजगार कार्यालय में अगर आपका नाम दर्ज है तो आपकी भर्ती होगी। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है और 27 अक्टूबर को निदेशक इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला सेवा योजन अधिकारियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उसके बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अब तक सरकारी विभागों एवं अधीनस्थ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति में मनमानी की जाती थी। मतलब जिसे चाहा उसे रख लिया और जिसे चाहा उसे बाहर कर दिया पैसे के चलते। ऐसे में अब निर्णय लिया गया है कि सेवा योजन विभाग की वेबसाइट www.sevayojan.up.nic पर पंजीकृत रोजगार ही आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त किए जाएंगे। इसी क्रम में सेवा योजन विभाग की वेबसाइट को जैम पोर्टल से लिंक किया जा रहा है और विभाग को अपनी रिक्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। फिर सेवा योजन विभाग पंजीकृत बेरोजगारों से आवेदन मांगेगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेवा योजन विभाग ही लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू कराएगा। मतलब अब आपका जो रिटेन एग्ज़ाम होगा संविदा कर्मियों का वो भी बेरोजगार कार्यालय ही कराएगा और वो ही कंडक्ट कराएगा क्या भाई उसका इंटरव्यू। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से चलेगी। मतलब अब आप सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं, अब आपको कराना है संविदा की नौकरी के लिए भी कहाँ पर नाम दर्ज, सेवा योजन कार्यालय में। तो ये जानकारी निकल कर आई है, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है 27 अक्टूबर के बाद क्या चीज़ें नई निकल कर आती हैं वो भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को कर ले भैया अभी सब्सक्राइब, और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।